सकल नय विलसितानां विरोदनकरं नमाम्यनेकान्तम्। जिन शासन का प्राण है श्यारवाद, जिन शासन का प्रत्येक कथन स्यात् पद से लांछित है, आचार्य समर्थ स्वामी ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह नाना तर्कों से, नाना युक्तियों से, नाना दृष्टांतों से, नाना वाक्यों पर प्रयोग कर करके भली भांति सुमेर की तरह स्थापित किया है कि प्रत्येक वाक्य स्यात् पद से सहित हो तो ही सत्य होता है, यदि स्यात् पद से बिना हो तो वो अनुचित तो होता है। और इतने बड़े बड़े शब्द दिए हैं कि वो विष बन जाता है, जिसे हित करना चाहिए वो अहित कर देता है। ऐसा वाक्य तो ना ही हो तो चलेगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे गोशाला खाली रहे तो चलेगा, पर सींग मारने वाली गाय नहीं होनी चाहिए। ऐसे में बहुत कहते थे गोशाला खाली रहे तो चलेगा, पर सींग मारने वाली गाय नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक जगह सिंह पर है, संघ में, समाज में, सब जगह है, सब जगह है। गजब के वाक्य है। कभी एक दिन में उस विषय पर भी बोलने का मन करता है, जगह जगह बोलता हूँ मैं। आचार्य विद्यानंद जी 12 साल उनके साथ रहे हैं, तो बहुत आचार्य विद्यानंद जी का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैंने कितना सीखा है उनसे, बहुत सारी व्यावहारिक बातें हैं, एक एक व्यावहारिक बात। अब आज ही एक मौका आया, एक मीठा फल होता है, मौसमी जैसा होता है, और आचार्य विद्यानंद जी उसको साल में 10 दिन लेते हैं, और उस फल का एक्सपोर्ट बहुत होता है और उसकी क्रोसिन टैबलेट बनती है। जो 10 दिन वो खा लेता है उसको 365 दिन बुखार नहीं आता है, गारंटी है। तो मैंने कहा कि यहाँ क्या 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 ये सब बातें उनसे सीखी देखी, मीठा फल क्या होता है, आज मैं लेकर आया। आज मैं लेके आया कि अगर कैसे पहले मैंने कहा संघ में पहुंच जाए तो मैं और भी ला सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मौसमी होती है, नहीं बिल्कुल भ्रम हो जाएगा मौसमी में और उसमें साधन से प्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल मौसमी नहीं बिल्कुल मौसमी होता है इससे। लेकिन उसकी एक खास बात है, उसको इलाज से ही लेना पड़ता है। अगर 5 मिनट भी रोक दिया तो वो कड़वा हो जाता है, बिल्कुल क्रोसिन का स्वाद आ जाता है उसमें। लेकिन ये जितने भी डेंगू मलेरिया चलते हैं ना, 12 महीने का एक तरह से सुरक्षित हो गया है। ऐसे परंपरा से मिल गए, क्योंकि वो बताते थे कि एक बार ऐसे हुआ, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे चलते थे, वो ऐसे बोलते थे, वो ये बात बोलते थे, वो ये बात बोलते थे, वो बोलते थे, हजारों वाक्य मैंने मेरी भी 200 डायरियां भरी हुई है,
नोट्स बने हुए बहुत अलमारी बनी है, जब पढ़ लो तभी आनंद आने लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे मैं कहीं आ गया फिर भी नहीं हूं। वो बोलते थे अगर नक बनना हो, शांति सागर महाराज बोलते थे कितने वाक्य है उनके, एक वाक्य है उनका, अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। मुझे इतना आनंद आता है, हजारों अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय एक ज्ञानी का शिष्य बन जाओ बहुत अच्छा है। कैसे कैसे वाक्य बोलते थे, ऐसे ही वो बोलते थे कि अगर नग बनना है तो सोने जैसे लोगों की संगति में बैठो। नग कहाँ लगाए जाते हैं, अब सोने की अंगूठी में, लोहे में नहीं लगाए जाते। अगर तुम लोहे जैसे लोगों के बीच बैठोगे तो जिंदगी में नग नहीं बन पाओगे। नग बनना है तो अपने चारों ओर सोने जैसे लोगों को रखो। नाग बनना है तो सभी लोगों की तरह और नाग बनना है दर्द, नाग बनना है तो सोने जैसों के बीच रहो, और नाग बनना है तो सफेद जैसों के बीच। संगति का बहुत असर पड़ता है। सत्संगति कथन के न करो त्रिगुण जान, एक क्षण क्षण मपि संजन संगति रेखा भवति भवानव तरणे मो, एक क्षण की संगति। एक कहानी सुनाते थे महाराज जी अनाथ मुनि जी, चलो अपन आत्मीमान का पर आ जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनाते थे गजब गजब और इतने प्रफुल्लित आनंदित, मैंने ऐसा मस्त व्यक्ति नहीं देखा, मस्त रहते थे। इतनों जब देखो तब ज्ञान आराध्य, जब देखो तब ज्ञान आराध्य, विद्या में इतना आनंद आता था। लाइब्रेरी अभी भी जैसे हमको भी मिल जाता ना साथ पढ़ना, बैठे रहते बस उनका भी एक बहुत बैठे रहते हैं, उसमें किताबें सामने का पढ़ देता, नए नए वो निकाल देता। ये गाते रहते थे एकदम संतुष्टो हो मेदमी रहो, ज्ञान में ही संतुष्ट रहो और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ, बस इसी से तुम्हें उत्तम सुख मिलेगा। और इस तीन का अर्थ भी करने के बहुत अच्छा, जैसे रत्न माने लगना, फिर उसमें संतुष्ट होना ये भी जरूरी है, फिर उसमें तृप्त होना ये और भी जरूरी है। जैसे कोई आदमी संस्कृत की लाइन में प्राकृत की लाइन में आता नहीं है, ज्यादातर लोग अंग्रेजी गणित कंप्यूटर जिनमें बहुत पैसा मिले वहां भागते हैं। कोई रेयर बच्चा होता है जो संस्कृत की लाइन में आता है, तो आया ये तो रत होना हुआ, और आने के बाद में हाँ ये मीठा फल है जी, ये मीठा फल है। ये मिथ्या फल है थोड़ा ही, कोई मौसमी का साइज भी आ रहा है, वही साइज है वैसा का वैसा ही है, बस चिकना होता ऊपर से, ये फर्क है, ये फर्क है। मौसमी इतनी चिकनी नहीं होती जितना चिकना ही होता है, ये एक्सपोर्ट होता है सारा का सारा, भारत में लोग इसको समझते नहीं क्या है, तो वो और इसकी क्रोसिन बनती है, बुखार की दवाई बनती है, तो इसको खोलते ही लेना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल क्रोसियों का स्वाद इसमें आ जाए, सूप का पाउडर बन जाता है। अच्छा हाँ इसी को गोली बन जाता है, हाँ इसी की गोली बनती है, थोड़ा दिन मिला मिलो करके।
बात कर रहे थे। देखिए चौथा परिचित प्रारंभ समझे की थोड़ी साइज थोड़ी छोटी है बस। हाँ साइज भी ये वाला पीस छोटा होगा, साइज भी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं बड़े भी है बड़ा भी अच्छा। इन चौके में जो करवा मौसम भी जाता है यही होगा कि वो मौसम भी जाके निकाल दिया आधे घंटे रखा रहा भाई आधे नहीं आधा घंटा बहुत पांच मिनट में करवा हो कहता है।
शब्द बोलते हैं आप, वे सब अलग 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 चीज है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, कारण अलग है, कार्य अलग है, सब चीजें अलग अलग है। और हेतु है प्रतिभासना, क्योंकि ऐसा हमें प्रतिभाषित होता है। अब इसमें एक बहुत गहरी बात आएगी, गहरी बात ये आएगी कि आचार्य समंत पत्र स्वामी भी वही हेतु दे रहे हैं कि ये दोनों भिन्न भी है अभिन्न भी है, क्योंकि प्रतिभासना। देखो बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। मैं तो आज गदगद हो गया, आज सुबह उठकर जब मैंने पढ़ा तो मुझे राष्ट्र सहस्त्री में आखिर में जाकर वही हेतु मिला। तुम अपनी आधी प्रतिभासना को तो सही मान रहे हो और आधे प्रतिभासन को तुम गलत मान रहे हो। आपको ये भी प्रतिभासित हो रहा है कि ये कोई वीर सागर नहीं है, और आपको ये भी प्रतिभासित हो रहा है कि ये वही है। आपने इन दो में से एक को सही मान लिया, एक को गलत मान लिया। क्यों? इससे सिद्ध होता है वस्तु स्यादवादात्मक, माने वो प्रतिभासनात हेतु से एकांत को पुष्ट कर रहा था, इन्होंने प्रतिभासनात हेतु से ही स्यादवाद को सिद्ध किया। गजब हो गया, मुझे बहुत आनंद आया। एक ही बच्चा आपने एक साल बाद देखा, आपको दोनों प्रतिभास हो रहे हैं, आप कैसे एक को गलत और एक को सही कह रहे हैं? आपको ये भी पता चल रहा है कि ये वही है, ये भी पता चल रहा है कि ये वो नहीं है। नित्यता भी प्रतिभासित हो रही है और अनित्यता भी प्रतिभासित हो रही है, फिर आप कैसे एक को सही हो रहे? तो बहुत आनंद, मतलब क्या शास्त्रार्थ। इसीलिए समन भद्राचार्य के बारे में क्या लिख दिया, कवी नाम गमता नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपी यसे सामंत भद्रियम रूर्दनी चूड़ा मणीय। जैसे माथे पर मुकुट और मुकुट पर कलंगी होती है, आचार्य समन भद्र तो वैसे हैं। कैसे? वही तर्क जो वो तर्क देता है उसी तर्क से उसके मुंह से उगलवाते हैं, श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्य थे, उसी से कह रहा तेरा भाव एकांत तेरी बात से उड़ रहा है, तेरा भाव एकांत तेरी बात से उड़ रहा है, तेरा प्रतिभासन हेतु ही सिद्ध कर रहा है कि वस्तु अनेकांतात्मक है। ये एक गजब की बात है। तो भेद एकांत कहता है कि सब कुछ भिन्न भिन्न है, अभेद एकांत कहता है सब कुछ अभिन्न है, एक ही है। वो पूरा द्वैत एकांत वाला जैसा मामला है, वो कहता है इस विश्व में लेह नानास्ति कश्चन, एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म लेह नानास्ति कश्चन, आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन। वही सब एक है। एक तो इसको एकत्व रूप मानता है, एक अनेकत्व रूप मानता है, दो इसकी होती है, लेकिन दोनों ही अतिवाद है, एकांतवाद है, अनेकांतवाद ही वस्तु का स्वरूप है। तो तीन चार कारिकाएं हो गई थी, तीनों हो गई थी। चौथी कारिका, चौथी आश्रय आश्रयी संबंध के द्वारा जुड़ी रहती है, इसलिए आप फिकर मत करो।
कहीं नहीं कहेंगे। हमने उनको तर्क दिया था ना, फिर तो ज्ञान अलग चला जाएगा, ज्ञान ग्रीन पार्क छूट जाएगा, मीसा का यहाँ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ऐसे कभी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी छूट जाएगा। हाँ, यूनिवर्सिटी छूट जाता तो क्या होता, चलो ग्रीन पार्क तो कैसे, यूनिवर्सिटी छूट जाता तो क्या होता, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो वो कह रहे तो वैसे दिन वाले कहते हैं आप चिंता मत करो नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि उनमें एक युक्त सिद्ध संबंध है, इसलिए नहीं छूटेगा। आप घबराओ मत, आप तो इनको अलग अलग मान लो, ज्ञान को अलग मानो, आत्मा को अलग मानो, अलग अलग वस्तु मानो, पर युक्त सिद्ध से ये जुड़े रहेंगे। और युक्त सिद्ध से क्या होगा, युद्ध सिद्ध के अलावा युद्ध सिद्ध के कारण एक और संबंध उनमें बन जाता है, उसका नाम है आश्रय आश्रयी संबंध। ये ज्ञान वो आश्रय और आश्रयी वो है आत्मा, आश्रित वो है ज्ञान और आश्रय दाता वो हो गया आत्मा। बोले ऐसा उनमें आश्रय आश्रयी संबंध बनता है। तो यहां कहा कि आश्रयाश्रयी भावात, उनमें आश्रय आश्रयी भाव है, आश्रयाश्रयी भावात पांच बटा एक पंचमी ये हेतु है कि उनमें आश्रय आश्रयी भाव है। और ना उसमें न छुपा हुआ है, अगर ना में नहीं निकला तो कई का कर देंगे। कई बार संस्कृत में ये फर्क पड़ता है, वही छुपा होता है नेगेटिव और हमको दिखता नहीं है, ऐसे छुप जाता है, नैसे छुप जाता है। आश्रयी आश्रय आश्रयी भाव होने के कारण न स्वातंत्र्यम समवायि नाम, जो दो समवायी नाम माने ज्ञान और आत्मा। एक बात और है, हाँ। कहा जहाँ दो ना आए हैं वहाँ पर भी हो सकता हो निषेधवाची ना हो, हाँ। सिर्फ संधि के कारण से, जैसे ये बनता है गुरवन नपी, हाँ, 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 एक ही वजह से भी डबल न होता है, अकार की वजह से भी डबल कारण जो माना शुद्ध बोलो ना पंचमी पंचमान लेते हैं नहीं गणना स्वरूप हृष्य बिना स्वरूपी, हाँ। जब सामने हृष्य उपधा आएगी बराबर ना को द्वित हो जाता, द्वित हो जाता है, मनावाची नहीं हो बराबर, वन वन ना नहीं वन इच्छेदवाची नहीं होता है, इच्छन्नपि, हाँ इच्छन्नपि। अब इच्छन्नपि तो यहाँ न द्वित होगा मगर वो विशेषवाचक नहीं, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए दो ना है तो ना नहीं मान लो, ऐसा नहीं है। पूर्वन नपी पूर्वस्मिन नपी पूर्वन नपी गुरुवन नपी नाम होते गच्छन नपी न गच्छति, पश्चिम नपी पश्चिम नपी न पश्यति, उसमें चार बार नकार बहुत अच्छा है। वो सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका, इस संधि का बहुत सुंदर श्लोक है वो, समाधि रसोदा के आने पर गणना को दुष्ट हो जाए। वाह, तो आश्रय आश्रयी भाव होने के कारण समवायियों में स्वातंत्र नहीं होगा, समवायी माने जिनमें दो वे दो वस्तु हैं जो समवाय संबंध से जुड़ी हैं, जैसे कि ज्ञान और आत्मा, ये दोनों चीजें समवाय संबंध से इकट्ठी हुई हैं, इसलिए इनका नाम है समवायी। तो बोले ये समवायियों में स्वतंत्रता नहीं होगी, कौन कह रहा है ऊपर की लाइन वैसे थे, नीचे का उत्तर कौन दे रहा है इसी कारिका में जैन, एक ही कारिका में एक ऊपर की बात वैसे की तरफ से, नीचे की बात जैनों की तरफ से,
वो कह रहे हैं दोनों में आश्रय आश्रयी भाव है, दोनों समवायियों में, समवायी माने जो दो वस्तुएं समवायी के द्वारा एक हो रही है वो उनको कह रहे हैं समवायी। उन समवायियों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होगी कि एक कहीं चला जाए एक कहीं रह जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, आप फिकर मत करो। तो आचार्य उत्तर कहते हैं इत्ययुक्त, ये बात भी अयुक्त है, इति अयुक्त, यण संधि को यणति इति अयुक्त, ये ये उनका है। आश्रय आश्रय भाव और गुण गुणी के संबंध में क्या? अब ये वो बताएं, वो गुण गुणी नहीं मानते ना, वो मान भी रहे हैं गुण और गुणी के को वे स्वतंत्र पदार्थ मान रहे हैं, आश्रय आश्रय नाम रख दिया और फिर भी उनमें आश्रय आश्रय संबंध मान। देखो ये गजब की बात कही है आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आश्रय श्री में कि जिस प्रतिभासनाथ हेतु से आप एकांत सिद्ध कर रहे हैं उसी प्रतिभासनाथ हेतु को शांति से विचार करोगे तो तुम्हें अनेकांत के दर्शन होंगे, आपको ही अनेकांत के दर्शन होंगे, उसी में होंगे, आपके प्रतिभासन पर कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने साथ छल मत करो, आप आधे प्रतिभासन को सही कर रहे हो और आधे को आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, आप प्रतिभासन से नहीं कर रहे हो। हम गजब की बात कर दी, कमाल ही कर दिया भाई कि ऐसे चीज निकलती है। तो बोले उनमें आपको मानना पड़ रहा है ना, आपको जब आप स्वतंत्र दो मान रहे हो उसमें वस्तु मान रहे हो तो आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत पड़ी कि उनमें युद्ध से संबंध है, उनमें आश्रय आश्रय ही संबंध है, ये इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है, टेढ़े रास्ते क्यों जा रहे हो, सीधे चले जाओ, सीधे मान लो ना कि वो कथनचित भिन्न है कथनचित अभिन्न है। सीधी तो बात थी जरा सी, सरल काम था, धर्म दर्शन बहुत सरल है। एक कविता आती है मदर की, सहज सरल जीवन की पोथी, बड़ा कठिन अनुवाद हो गया, पद पद के लघु विश्राम पर कैसा घोर विवाद हो गया। मदर जी बनती है, सहज सरल जीवन की पोथी, बड़ा कठिन अनुवाद हो गया, पल पल के लघु विश्रामों पर कैसा घोर विवाद हो गया। कई बार तो हम पढ़ पढ़कर धर्म के क्षेत्र में आकर और उलझ जाते हैं। पद्म पुराण में बड़ा अच्छा श्लोक आता है, धर्म शब्द मात्रेण प्राय प्राय स जड़ चेतसा अधर्म मेव सेवन्ते, ऐसे श्लोक है। धर्म शब्द के भरोसे ही प्राय लोग अधर्म का सेवन करते हैं, धर्म शब्द के बहाने। तो ये बड़ा बहुत सीधा सरल सुंदर मार्ग है, आराधना का मार्ग तो आनंद का मार्ग है, सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर नहीं समझते तो गड़बड़ होती है बस। तो बोले आज पद्म पुराण का है नहीं। वो कविता वो तो सरल जीवन वो आचार्य महाप्रज्ञ जी की, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो महाप्रज्ञ है, हाँ महाप्रज्ञ जी की कविता है ये, सहज सरल जीवन की मोती, बड़ा कठिन अनुवाद बन गया, पद पद के लघु विश्रामों पर कैसा घोर विवाद हो गया। मुझसे महाराज जी ने एक लेख लिखवाया था, बोले तुम एक लेख लिखो अत्यंत सरल है जैन धर्म, और वो मैंने 5 पेज का लेख लिखा है,
वो मैं कल आचार्य श्री को एक पुस्तक ठीक है, कविताएं भी है, अच्छी कविताएं भी है, भी अच्छी लिखी हाँ। लेकिन मार्ग तो ऐसा खुद ही पकड़ रखता है ना हाँ। अब हम कठिन बनाए तो क्या कहने वाला, अपना मार्ग कठिन नहीं बहुत सरल है, तो जो है उन्हें पकड़ रखता है, उनकी समझ इतनी आ गई, इतनी हो गई। नहीं नहीं मैंने इसलिए बताया गीता पहले की ये कविता किसकी है, उनकी कविता इस तरह की, और इतनी बातें हमें ना कोई पूछे तो बताना पड़ती है। नहीं तो हम आपको ये कह रहे हैं कि आपके तो इतना प्रज्ञा होने की बात हुई, एक दिक्कत आती है, ये ही दिक्कत आ रही है, इसके साथ भी यही दिक्कत है, ये कह रहा आज से आज तक इसके साथ भी यही दिक्कत आ रही है, उसको सब समझ में आ रहा है। आत्मैव गुरुरात्मना, आत्मा अपना गुरु है, सारे समाधानों का भंडार अपना आत्मा है, मगर जो अपनी आत्मा की न सुने पकड़ लिया वो छोड़ेंगे। हाँ, आग्रह सबसे बुरी चीज है और वो कुछ काम करने देता नहीं है, वो भी जैसा काम न्याय शास्त्र सिर्फ इसलिए है कि वो आग्रह छूट जाए। सब लोग अच्छे हैं, सब सही समझते हैं हाँ। भाई ऐसे गड़बड़ करते, जबरदस्ती की गड़बड़ करते हैं, क्या है मिथ्यात्व का उदय अपना खेल दिखाता रहता है। चलो लंबी चर्चा है, यह तो अच्छा विषय है, प्रयोजन भूत विषय है और सोचने लायक है, मैं तो घंटों सोचता हूँ, समाधान भी है अपने शांत रहने। हाँ समाधान है, सरल है, बहुत सरल है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती है, कठिन बना दिया बहुत। एक कविता की दो पंक्तियां और है, अर्ज तो नहीं होगा ये दो पंक्तियों की वापसी होगा। सत्य अहिंसा दया प्रेम से, सत्य अहिंसा दया प्रेम से, अपना तो इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। क्या पंक्तियां हैं, अजय लाल काका बहुत बड़े जबरदस्त कवि हुए हैं। सत्य अहिंसा दया प्रेम से, अपना तो इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। क्या कहे, खुद ही खुद को काट रहे। ये जो लाइन है ये वज्र लेख है, श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते, खुद ही खुद की बात काट रहे हैं। तुमने उनको स्वतंत्र माना, अब स्टैंड करो, तुमने जो बात कही अपनी बात पर स्टैंड करो। अब युद्ध सिद्ध संबंध है, जब दो बात मत बोलो, स्वतंत्र है या संबंध है, एक बात बोलो, दोनों में संबंध है या स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो संबंध नहीं है, संबंध है तो स्वतंत्र नहीं। ये नीचे की कान है, ये बात आपकी अयुक्त है, क्योंकि संबंध नहीं बनता, या तो स्वतंत्रता बनती है या संबंध बनता है, दोनों बातें कैसे बनेगी, स्वतंत्रता भी बन जाए और संबंध भी बन जाए, ये तो स्यादवाद में संभव है, हो सकता है ऐसा भी, स्वतंत्र भी हो सकता है, गुरु शिष्य स्वतंत्र है, सब कुछ बनता है। हाँ, ऐसे तुम्हारे ज्ञानवाद से तो नहीं बनेगा, सर्वथा भेद मान करके और फिर उनका संबंध बनाओ, कैसे बनेगा। गुरु जी कहते हैं शिष्य को, तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र है कि संबंध है,
वास्ते दोनों हैं, कह ही रहे हैं बराबर कि आप अपने घरों से चलो भैया, फिर भी संबंध भी है नहीं भी है। तो ये कहा कि दोनों बातें नहीं बनेगी, आश्रय आश्रयी भाव के कारण स्वातंत्र नहीं रहेगा, ऐसा जो तुम कह रहे हो ये भी बात तुम्हारी इसलिए नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्वतंत्र मानोगे भिन्न भिन्न मानोगे तो उसमें संबंध नहीं बनेगा। एक तर्क इसी टीका में ये और दिया कि अच्छा बताओ कैसे है वो संबंध, उसमें ज्ञान में और आत्मा में संबंध कैसे है, समवाय से, समवाय नाम का एक पदार्थ मानते हो, युद्ध सिद्ध संबंध किससे है, तो एक समवाय नाम का दो कागज के पट्टे तो चिपकाने के लिए तीसरी चीज लेके आए, फेविकॉल है उनका ये, तो बोले इससे चिपका, बोले समवाय से। फिर उनसे पूछा अच्छा ये समवाय किससे चिपका, अगर ये समवाय अपने आप से द्रव्य में रह सकता है तो गुण क्यों नहीं अपने आप रह सकते, और यदि उस समवाय को रहने के लिए फिर तीसरा समवाय चाहिए, फिर तीसरे के लिए चौथा चाहिए, या तो उस ट्रैक पर जाएंगे जिस पर अनवस्था आएगी, माने ये बात बनेगी नहीं। बात यही है कि वस्तु कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप है, ये मोक्ष में कैसे मानते हैं समय संबंध ऐसे ही मानते, यही व्यवस्था है, एक ही ये व्यवस्था है। हालांकि नैयायिक बौद्ध सांख के दो तीन लोग तो कहते हैं प्रदीप निर्माण वत ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्षः, उन्होंने तो मोक्ष की परिभाषा भी ये मानी कि ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्षः, बोले ये ज्ञान ही तो समस्या की जड़ है, इसको ही खत्म करो, ज्ञान को सुधार करना, हाँ ऐसा मानते हैं और हम भी मानते हैं से से चयोग संज्ञान को दुख का कारण मानू, जैसे गोल में चित्तन आत्मगुण माना, हाँ वहां भी मानना पड़ेगा समवाय से जोड़ा जा रहा है, तो समवाय से जुड़ा, अरे बिना गुण के कोई वस्तु नहीं बनेगी, विशेष से विशेषण के बिना नहीं बनता, ये जो पहले परिच्छेद में एक कारिका आई थी के विशेषण विशेष के बिना नहीं बनता है, ये सूत्र वाक्य थे, आप भी मान सके, मैं एक दिन फुर्सत में कुछ सूत्र वाक्य लिखूंगा, आप भी मान सका ये सूत्र वाक्य है, कोई भी विशेष विशेषणों से रहित नहीं होता, कोई भी विशेष विशेषणों से रहित नहीं होता। और दूसरा सूत्र वाक्य, हर विशेषण अपने प्रतिपक्ष के साथ ही होता है, अविनाभावी है, वो बिना उसके होता नहीं है, अस्तित्व नास्तित्व प्रतिशेषण अविनाभावी, ऐसे इसमें भी आएगा, बार 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 आता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो बोले इस तरह उनमें वो बनता नहीं है, कार्यक्रम पैसठ पढ़ लें
सब अपने अपने दायरे में समाप्त हो जाते हैं, दूसरे के दायरे में नहीं जाते हैं। इन और फिर अंतरेण, अंतरेण माने बिना, फिर इनके बिना आश्रय वाली बात कैसे बनेगी? जब सब अलग अलग हो गए तो उनके बिना आश्रय बन गया, एक आश्रय ही बन गया, वो कैसे बनेगा? और जब ये नहीं बनेगा तो क्या नाश है, क्या उत्पाद है, क्या द्रव्य है? इसकी विधि, विधि माने नियम, विधि माने व्यवस्था, विधि माने संविधान, विधान। ये विधि शब्द का अर्थ है, या विधि माने भाग्य भी होता है, या विधि माने भाग्य नहीं, विधि माने विधान, संविधान। ये व्यवस्था को विधि, फिर क्या विधान बनाओगे तुम? तुम्हारे पास क्या संविधान रहेगा जब सब चीजें स्वतंत्र हो गई? मतलब विधि की है, विधि मिलाओ, हाँ उसकी विधि लाओ, सही है। पदार्थ कैसे उत्पाद व्यय करेगा उसकी विधि लाओ, कौन सी विधि है? तुमने जब सबको स्वतंत्र मान लिया, अपने अपने में ही पूर्ण मान लिया, भिन्न मान लिया, तो वो कैसे मिलेंगे? अब कार्य का शासक पढ़ लेते हैं, जितनी जल्दी पढ़ना चाहते थे। सर्वथा संबंध सामान्य समवाय हो काभ्यामर्थो न संबंध संबंध संबंधस्तानी श्रेणी खपुष्पवत् हो गई सभी चीजें, सर्वथा अनभिसंबंध। इस तरह जब सभी चीजें सर्वथा असंबंधित हो गई, अनभिसंबंध माने संबंध रहित बन गई, सामान्य अलग हो गया, समवाय अलग हो गया और उससे अर्थ अलग हो गया। सामान्य समवाय हो 6/2, सामान्य और 7/2, सामान्य और समवाय में जब कोई संबंध नहीं रह गया और उनसे अर्थ भी असंबद्ध रह गया, अर्थ का उससे कोई संबंध नहीं, द्रव्य अलग है, सामान्य अलग है, समवाय अलग है, भिन्न भिन्न हो गए, और जब ये सब न्यारे न्यारे हो गए और जब इनमें युद्ध सिद्ध भी सिद्ध नहीं हुआ, जब इनमें आश्रय आश्रय भाव भी सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या होगा? तानी त्रीणी खपुष्पवत्, वे तीनों खपुष्प बन गए। खपुष्प माने आता का फूल, ख माने आता माने असत बन गए। आपके द्वारा बताई गई व्यवस्था के अनुसार, सर्वथा भेद एकांत वाली व्यवस्था के अनुसार सब कुछ कैसा हो गया? खपुष्प। सर्वथा नभि संबंध सामान्य समवायो ताभ्याम अर्थो न संबद्ध तानी त्रीणि खपुष्पव। सामान्य और समवाय में कोई संबंध नहीं रहा, और सामान्य और समवाय से अर्थ का कोई संबंध नहीं रहा, और जब सब न्यारे न्यारे हो गए तो ये तीनों आकाश पुष्प बन गए, वस्तु समाप्त हो गई। तालिका 67 पर अनन्य तैकांते अनन्य तैकांते संभाते असंघ तत्व जागृत अब विपक्ष चल रहा है। भेद एकांत का प्रकरण पूरा हुआ, कारिका 67 से अभेद एकांत का प्रकरण शुरू हुआ है। अभेद एकांत का दूसरा नाम है अनन्य एकांत।
सामान्य वो एक जैसे सात पदार्थ कल गिनाए ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। सामान्य का मतलब है जो वस्तु में एकता है वो सामान्य है, मगर उसको भी वो कहते हैं एक अलग चीज है। सामान्य और सामान्यवान, सामान्य विशेषात्मा वस्तु, जैसे अंगूठी चेन कुंडल ये विशेष है और सोना ये सामान्य है, ऐसा वो एक सामान्य नाम का पदार्थ अलग। अनेक विशेषों में एक रूप रहने वाली वस्तु को सामान्य कहते हैं। वो तो अपने यहाँ नहीं मानता। हाँ, वो ही कहते हैं कि समवाय से वो एक रहेंगे, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे ना। ये समस्या पैदा हो रही है ना कि आत्मा अलग के अंगूठी अलग चेन अलग कुंडल अलग और स्वर्ण बना अलग, तो उस दिक्कत आ रही है। उससे कहेंगे कि अंगूठी में ही तो सोना दिख रहा है, बोले वो समवाय से चिपका हुआ है का, वो कह रहा है अंगूठी अलग है सोना अलग है। तो पूछा कैसे अलग है, ये तो साथ दिखाई दे रहे हैं। बोले जी वो आपको दिख रहे हैं समवाय से चिपके हैं। हाँ, सामान्य हो गया सामान्य, और विशेष हो गया वो अमुक गुण, और संवार हो गया चिपकाने वाला। हाँ, सामान्य अलग हो गया, समवाय अलग हो गया, और तुमने द्रव्य नाम का एक अलग पदार्थ स्वतंत्र माना है, उस द्रव्य अलग माना है। उन्होंने गुणों से भिन्न एक द्रव्य की अलग कल्पना की है। जैसे कोई कोई अपने में से भी कह देता है ना, कोई मैं गुणों से भिन्न पर्यायों से भिन्न मैं, मतलब अब अगर उसको सर्वथा समझ ले तो वो तो गलत हो जाएगी। हम सर्वथा शुद्ध ही हम है। जब ध्यान करने लगते हैं मेरे में राग नहीं, मेरे में द्वेष नहीं, विकारी पर्याय नहीं। अभी मैं एक गोष्ठी में गया था बड़ौद पर अब रुक जाता हूँ, उसमें ये चर्चा आई भेद विज्ञान की। भेद विज्ञान करते समय हमें गुण पर्याय से भिन्न विचार करना पड़ता है, उसके बिना सामायिक नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में नविनाणम न चरितम न दर्शनम जान दोष। आत्मा प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, तो सारी पर्यायों से भिन्न कर दिया। छठी गाथा पर्यायों से भिन्न बता रही है, सातवीं गाथा गुणों से भिन्न बता रही है। त्याग बात सीधी सी बात है, वहां स्याग लगा हुआ है, और यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि यह सर्वथा लगा हुआ है, बस एक ही दिक्कत आ रही है। बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं पर सर्वथा लगा के गए तो अनंत एकांत अभेद एकांत को मानने में क्या दिक्कत है। अनंत मिर्चा खलु सम्वहा जैनाणम पुनर्वयम कुछ कारिकाएं गाथाएं तो कंठस्थ होनी चाहिए, कुछ तो ऐसी होनी चाहिए, कोई कोई तो ऐसे है चिंता वाली जैसे वरदान है कंठस्थ है। हाँ, लेकिन वो कंठ के ऊपर कम आते हैं। कुछ गाथाएं तो ऐसी है नृत्य करवा दिया ऐसा आनंद आता है, कुछ उनके भरोसे तो कितने घंटे गुजार दो ऐसी लगती है। बोले यदि अनन्य तई कांत को मानेंगे, अनन्य तई कांते सती सप्तमी, अनन्यता एकांत को स्वीकार करने पर, स्वीकार करने पर वहां गर्भित है, सप्तमी का प्रयोग कर दिया उसमें से निकल गया। अनन्य एकांत को मानने पर अणुओं को मिला दोगे तो भी वे मिल ही जाएंगे। आपने भूत चतुष्क, इसमें बौद्धों का भी निराकरण है, बौद्ध लोग भूत चतुष्क मानते हैं, महास्कंद मानते हैं, तो बोले कैसे मानोगे तुम पृथ्वी जल अग्नि और वायु,
चार को मानते हैं, वो भूत चतुष्कर चारवा पंचभूतवादी है, चारवा पंचभूतवादी है। बौद्ध भूत चतुष्कवाद उनका सिद्धांत है। बौद्धों का सिद्धांत, बौद्ध आकाश को नहीं मानते, आकाश नहीं दिखता, आकाश उनके यहाँ नहीं है मानने। लेकिन और वैदिक परंपरा भी आकाश की जगह वनस्पति को मानती है। चिति पावक जल गगन समीरा पंच तंत्र से रजत शरीरा, ये तुलसीदास की बात है। तो इन्होंने गगन को माना। चिति पाव एक क्या छोड़ा है, चिति पावक जल गगन गगन समीर वनस्पति हो ये तो थोड़ा सा जायज है, वनस्पति छोड़ा। तो यदि इन अभेद एकांत को मानेंगे तो पंचभूत नहीं बनेंगे, फिर पांच कैसे बनेंगे? फिर तो वो जो मानते हैं तो अभेद मान, लेकिन ये पृथ्वी है, ये जल है, ये भेद तो मानोगे? अभेद एकांत वाली चार महाभूत मानते हैं तो उनसे कहा फिर चार भी मत मानो, एक ही मानो, अभेद मानना है ना। वो कहते दुनिया में कुछ नहीं है, वो कहते वो कुछ नहीं है, दुनिया में चार ही चीज है। जैसे वेदांति कहता है दुनिया में एक ही चीज है ब्रह्म, ऐसे बौद्ध परंपरा कहती है कि इस दुनिया में चार ही चीज है भूत चतुष्कर। वे आत्मा भी नहीं मानते, अनात्मवाद है बौद्धों का सिद्धांत। चार भूत से मिलकर ये दुनिया बनी है ऐसा मानते हैं। तो कहा फिर चार भी क्यों माना भाई का, जब अभेद ही मानना है, सबके बीच अभेद ही मानना है, तो पृथ्वी और जल के बीच का भेद भी खत्म होगा, जल और अग्नि के बीच का भेद भी खत्म होगा, तो सब अणु भी सब मिलकर के एक रूप मानने पड़ेंगे। और जब ये भूत चतुष्क की बात है, ये भ्रांति रेव, ये भ्रांति सिद्ध होगी। भूत चतुष्क की बात भ्रांति सिद्ध होगी। जब अभेद ही मानना है हाँ, तो फिर भेद बचा कहाँ, तो फिर भेद बचा क्या, तो उनको भी भ्रांति माननी पड़ेगी। ठीक है क्या, जल और अग्नि की भिन्नता हाँ नहीं बनेगी। हाँ हाँ, जल और अग्नि की भिन्नता भी नहीं बनेगी। ठीक है क्या, रुकना एक और करना, एक और कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई है। कार्य भ्रांति ही कार्य लिंगम निवारणम् विभक्ति पकड़ में आ जाए ना तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। कार्य भ्रांते पांच बट्टा एक, कार्य की एक तो अट्ठे पंचमी, जब कार्य भ्रांति रूप सिद्ध हो गया तो कार्य भी भ्रांति रूप सिद्ध हो गया। कार्य भ्रांति जब पंचभूत या भूत चतुष्क नहीं बने तो अणु भी भ्रांति हो गया। जब कार्य ब्रह्म रूप सिद्ध हो गया तो कारण भी ब्रह्म रूप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि कारण तो कार्य से ही पहचाना जाता है। आपने कार्य ही खत्म कर दिया, कार्य समाप्त होने पर, कार्य के ब्रह्म रूप सिद्ध होने पर कारण भी ब्रह्म रूप सिद्ध होता है। उभया भावत, और ये दोनों कई जब अभाव हो जाएगा तो उनमें स्थित गुणों का, जातियों का और बाकी जो कुछ है उन सब का भी लोप हो जाएगा, सब भ्रम हो जाएगा। कहने का मतलब कोई प्रकार की वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी,
कारण कार्य सभी के लोग का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। हाँ, अभेद में कार्य नहीं बनेगा, कार्य नहीं बनेगा, कुछ कारण कार्य कुछ नहीं बनेगा। असल में एकांतवाद में कार्य नहीं बनता है, कारक व्यवस्था स्यादवाद में ही बनती है। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, त्रैकाल्यम द्रव्यम नौपद, बहुत सोचता था मेरे पढ़ता, मैं 5 साल का हूँ तब से पढ़ता हूँ इसको, त्रैकाल्यम द्रव्य सत्कम, मैं 5 साल का था तब से पढ़ता हूँ, पर मुझे अर्थ नहीं समझ में आता था। मतलब अर्थ माने अर्थ तो समझ में आ गया उसका, लगा भी 4 साल पहले से पढ़ा, मगर अब जो आनंद आया है इसको पढ़ करके कि इसमें क्या माल है, बहुत माल है इसमें, 3 काल 4 बार के बिना बनने नहीं है। भले व्याकरण में पहली कक्षा में बच्चे को पढ़ाया जाता है भूत भविष्य वर्तमान, पढ़ो बेटा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस इतने वे इंडेफिनिट पार्टिसिपल सब करो, पर ये स्यादवाद के बिना 3 काल बनते नहीं। स्यादवादी के यहाँ जैन दर्शन में ही 3 काल बनते हैं, दूसरे में 3 काल नहीं बनते, भूत भविष्य वर्तमान बनता नहीं कहीं भी। एकांतवाद में त्रैकाल्यम खत्म है, पहले ही इंद्रभूति गौतम के सामने अंगद का पैर रख दिया, त्रैकाल्यम सिद्ध करके बताओ महाराज इतना पढ़ते हो, त्रैकाल्यम सिद्ध करो। तो ऐसी बात किसमें नित्य एकांत, तो वस्तु को कूटस्थ मानता है, आत्मा कूटस्थ है, इसका नाम नित्य है। और अभेद का मतलब उसमें जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है वो सब एक ही है, इकट्ठे है, रिजल्ट दोनों का एक है, रिजल्ट लेकिन दोनों चीज न्यारी न्यारी है। हर एकांतवाद का रिजल्ट एक ही है, अर्थ क्रिया का अभाव। हर एकांतवाद का रिजल्ट एक ही है, वस्तु कूटस्थ हो जाएगी या लुप्त हो जाएगी, कोई अर्थ क्रिया नहीं बनेगी, रिजल्ट एक है। लेकिन फर्क दोनों में है, नित्य एकांत काल संबंधी है और अभिन्न एकांत भाव संबंधी, इनका भेदा भेद भाव संबंधी जी। क्रमो हरि